गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, सभी राशियों का आज का राशिफल एवं कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 30 अगस्त शुक्रवार 2024, श्री सुख संवत 2081, सख संवत 1946, भादो महीना, अंधेरा पाक, द्वार तिथि। सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, पुनर्वर्ष नक्षत्र रात में 8:08 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार दही। कहने मतलब ये है आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तब आपको क्या करना है? अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप दही खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, यमगंड काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत या यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्यों? जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं या राहु काल में यात्रा शुरू की जाती है, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं कि यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तब आपको क्या करना? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा, क्यों? हम आपकी हेल्प करेंगे। देखो भाई, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्र होता है और प्र से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि प्रियांशु, प्रीति जिंटा। अब आप क्या करेंगे? तो भाई प्र को आप पास ले, कहने का ये है प्र कन्या राशि। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्र होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि त्रिवेणी, त्रिभुवन। अब आप क्या करेंगे? तो भाई त्रा को आप ता से देखें, कहने करती है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञान होता है और ज्ञान से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि ज्ञान सिंह, ज्ञानेश्वरी। अब आप क्या करेंगे? तो भैया ज्ञा को आप ग से देखें, कहने करती है ज्ञा को आप मकर राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर मिलकर बनने वाला अक्षर श्रापी होता है और श्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्रीचंद, श्री राम। अब आप क्या करेंगे? तो भाई श्रा को आप श्रा से देखें, कहने करती है श्रा को आप कुंभ राशि में, ठीक है ना? तब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते एवं कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताते जाएंगे। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों
आज के दिन आपके लिए बढ़िया है। भाग्योदय होगा, परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने की योग है, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साहस बल मजबूत रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होने की योग है। माता को सुख प्राप्त हो। विशेष उपाय, गणपत स्त्रोत का पाठ करिएगा। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रक्रम द्वारा आपको लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार की तरफ से, खानदान की तरफ से आपको कुछ टेंशन रहेगी। आयु में वृद्धि होगी, कुप्त शक्ति का आपको सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, शिव जी पर सफेद पुष्प अर्पित करिए। जेमनी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज दिन ठीक है, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, मन खुश रहेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। विशेष उपाय, तुलसी के पेड़ में एक लोटा जल चढ़ाइए। कैंसर यानी कर्क, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज आप सावधान रहिएगा, दिमाग में टेंशन बढ़ने की योग दिख रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, परंतु बाहरी स्थानों से आपको सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, जानवरों को, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी का आप इंतजाम करिए। लियो सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, संतान को कष्ट मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ वालों से को अपने लव पार्टनर से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके लव पार्टनर से आपके मतभेद होने की योग है। विशेष उपाय, प्रातः थोड़ी देर धूप स्नान कीजिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, पिता को सुख प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग है, समाज में मान सम्मान मिलेगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा। विशेष उपाय, गणेश जी पर मोदक के लड्डू अर्पित करिए। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए ठीक है, सरकारी कामों में उन्नत होने की योग दिखाई दे रहे हैं, पिता का सहयोग मिलेगा, भाई बहन का भी सहयोग रहेगा, साहस बल आपका मजबूत रहेगा। विशेष उपाय, पत्नी पर भरोसा रखिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज का दिन सामान्य रहेगा, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग में बाधा पड़ेगी तथा घर परिवार वालों को सहयोग मिलेगा, अभ्यास मिलने के योग दिखाई देगा। विशेष उपाय, नहाने के पानी में लाल चंदन का एक चुटकी बुरादा मिला के आप स्नान करिए। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके रोजी रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, मन खुश रहेगा, बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद होने की योग है। विशेष उपाय, पति पर भरोसा रखिएगा। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज
सावधान रहिए, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आमदनी कम होगी, पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने के योग। विशेष उपाय, घर के अंदर इकट्ठा हुआ कूड़ा कबाड़ साफ करवा दे। देखो बेहिया से कुंभ, कुंभ लगे राज के जातकों, आज संतान को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आमदनी मंदी होगी, लव लाइफ वालों के लव पार्टनर से आज संबंध में कुछ कटुता आएगी। विशेष उपाय, काले जूते चप्पल का दान करें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ है, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग है, समाज में मान सम्मान मिलेगा, विद्यार्थियों को विद्या का लाभ विशेष मिलेगा, लव लाइफ वालों के लव पार्टनर से आज संबंध बहुत मधुर रहेंगे। विशेष उपाय, चने की दाल का आप दान करिए। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखिए, अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके अपनी लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा जिन लोगों ने हमारे बताए गए उपायों से लाभ उठाया है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, आप पर कहीं से किसी ने तंत्र प्रयोग करवाया है, आपके बच्चों पर तथा आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना या मरण प्रयोग करवाया है, आपके घर में भूत प्रेत पचास आठ बुरी शक्ति का निवास है, आपके आपका बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, शुक्र हड्डियों का ढांचा बन गया है, आदि तांत्रिक समस्याओं से छुटकारा झाड़ फूक के द्वारा हमारे यहाँ कराया जाता है, एवं ज्योतिष संबंधी समस्याओं का निराकरण अस्त्रिका परीक्षण, जनपत्री परीक्षण, जनपत्री निर्माण, महामृत्युंजय जाप, सुंदरकांड आदि मांगलिक कार्य भी करवाए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9807222523, व्हाट्सएप नंबर 9807222523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास, केशवपुरम, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता।